हमारा ज़बरदस्त टिंडे गोश्त का सालन रेडी हो गया है। खाना बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार सा खाना रेडी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सामा नियाज़ी किचन। आज मेरे किचन में मैं बनाने जा रही हूँ आज टिंडे गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो टिंडे लिए थे। इनको मैंने छील लिया, छीलने के बाद इनको मैंने धो लिया है। अब इसको हमने काट लेना है। जो छोटे टिंडे हैं उसको मैं दो हिस्सों में काट लूँगी और जो बड़े हैं उनके हम चार चार पीसेस कर लेंगे। जो ख़राब है उसको हम साइड पर निकाल देंगे। ऐसे करके हमने सारी टिंडों की कटिंग कर लेनी है। टिंडों की मैंने कटिंग कर ली है। अब पैन में ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको हम पैन में डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तकरीबन गर्म हो गया है। हमने क्या करना है, टिंडों को हमने इसके अंदर डाल देना है। हम बहुत ही डिफरेंट से बनाने जा रहे हैं रेसिपी। ये टिंडे गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ये बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसे हम एक दो से तीन मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने बीफ ले लिया है, इसको मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है और इसके लिए मैंने दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो लहसुन साबुत भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने ये एक पाव प्याज ली है। मैं ये ग्रेवी वाली बना रही हूँ, इसलिए प्याज और टमाटर का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रही हूँ। और ये दो बहुत बड़े साइज़ के ये टमाटर थे, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर आधा कप पानी का डाल के, एक कप पानी का डाल के मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो हमारे टिंडे हाफ फ्राई हो गए हैं। अब तकरीबन एक मिनट मैंने इसको और फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। ठीक है, देखो अच्छा सा बॉयल आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, दो से तीन मिनट के लिए इसको मैं वेट लगा दूँ। उसको भी सख्त होता है तो उसे गलने में टाइम लगता है, तो मैं वेट लगाऊँगा ताकि जो हमारा काम जल्दी हो जाए। ये हमारे फ्राई हो गए, हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। अब इनको हम लेंगे निकाल। दो से तीन मिनट वेट लगाने के बाद वेट मैंने खोल दिया है। ये प्याज टमाटर देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक कप ऑयल का डाल देंगे। ये मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने टिंडे फ्राई किए थे। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले भी साथ डाल देंगे। खुश्क मसाले में दो खाने के चम्मच मैं डाल रही हूँ जो पिसा हुआ खुश्क धनिया, और दो खाने के चम्मच हम डाल देंगे सूरख मिर्च। मसाले अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल दिया करें, जितनी आपको पसंद है। एक खाने का चम्मच मैं नमक इस्तेमाल करूँगी। और एक चाय की चम्मची हल्दी पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। ये पानी भी साथ साथ खुश्क हो जाएगा और हमारे मसाले भी भून जाएंगे। देखिए इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो गया है और हमारे ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर नीचे से प्याज और टमाटर थोड़े से है। अब इसके तीन से चार मिनट हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि ये टमाटर और प्याज हैं जो अच्छे से गल जाएं। और जब ये नीचे से लगना शुरू हो तो आप पानी थोड़ा सा डाल दिया करें ताकि जिससे मसाला भी अच्छे से भुन जाता है और नीचे से सालन जलता भी नहीं है। मैं तीन से चार मिनट इसको मज़ीद पकाऊँगी, इसको उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल मैंने अच्छे से बनाई कर ली है। हमारे टमाटर प्याज सब कुछ कर चुके हैं, बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है। टिंडे क्योंकि हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे तो इनको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। इसको मैं टिंडे अब इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी रेसिपी रेडी हो गई है और साथ में एक चाय की चम्मची मैं पिसा हुआ गर्म मसाला डाल दूँगी। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर से। एक से दो मिनट की बुनाई करेंगे क्योंकि टिंडे हमारे गले हुए हैं और पके हुए हैं तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो ये बिल्कुल गल जाएंगे। टिंडे डालने के बाद मैंने एक से दो मिनट को मज़ीद पका लिया है। अब इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर तीन से चार हरी मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ में मैं एक गिलास पानी का डाल दूँगी। ग्रेवी कम ज़्यादा आप गाढ़ी खाना पसंद करते हैं, हल्दी खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप डाल लें। मैंने एक गिलास इसके अंदर पानी का डाल दिया। अब इसको ढक के मैं एक से दो मिनट पकाऊँगी। ये लीजिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारे गोश्त और टिंडे का सालन मज़ेदार सा रेडी हो गया है। हमारा ज़बरदस्त सा टिंडे गोश्त का सालन रेडी हो गया है। खाना बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार सा खाना रेडी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा टिंडे को डिफरेंट करके उसको फ्राई करके हमने डाला है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
और साथ में बेल आइकन का ज़रूर दबाया करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया।